होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट होगी और आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। पर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां बार दूं मैं तेरे नाम से। ओ मैं नहीं है किसी से मतलब, किसी को भी जानते नहीं है। फना जो होना नसीब। शुक्रिया। तशरीफ रखिए प्लीज। जी जी बिल्कुल। ये तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपके सामने दामन फैलाए आई हूं, हाथ में सवाल का कासा लेके। अब आप मना करें या कबूल करें ये आप पे मुनहसर है। अरे आंटी आप यहाँ तक चल के आ गई, इसी में आपके सवाल का जवाब है। इनकार की तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है। हाँ बस हमें कुछ माँ चाहिए होंगे, जब तक हरीम के खुला का पेपर वर्क आता है फिर हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। तो फिर मैं इस जवाब को खुशी की खबर समझूं? जी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर ही होगा। बस यही चाह रही थी कि बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आ बेटा प्लीज। आपको देख के बहुत खुशी हुई। बेटा मुझे भी तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे से कहीं ज्यादा खुशी होगी। आओ बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा अच्छा। मिर्जा साहब का फोन आया था, तुम्हें कल सुबह उनके साथ कोर्ट जाना है। हम सक्सेशन का केस फाइल कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो वापस मिल जाएगा। मम्मी लेकिन डैडी की वसीयत और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमें जो कुछ भी हासिल होगा वो हम डोनेट कर देंगे। वकास की कॉल आई थी, उसकी फैमिली उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही, वो चाहता है कि हम जल्द से जल्द निकाह कर लें। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम दोनों पर। मैं तो अब तक रायान को रोती रही हूं मगर तुम दोनों तो उससे कहीं आगे निकल गए। शायद मेरे नसीब में औलाद की फरमाबरदारी और मोहब्बत है ही थी। वही हम आपके साथ हैं और आपसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं और आपके फरमाबरदार भी हैं, लेकिन क्या क्या चाहती हो तुम लोगों के लिए? यही
कि हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसी शान और शौकत के साथ? लाइबा महलों में राज करे, सुख और चैन की जिंदगी जिए, तुम अपने अपने डैडी की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बनो, ये चाहती हूं ना मैं। मगर तुम लोग किसी किताबी उसूलों पर मबनी सिसकती हुई जिंदगी जीना चाहते हो, क्योंकि तुमने भी दुनिया देखी ही नहीं है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि जब गुर्बत दरवाजे के अंदर दाखिल होती है ना, तो मोहब्बत सुकून चैन सब खिड़की के रास्ते हवा हो जाते हैं। इंसान को एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वरना इंसान सकते से सकते जीता सकते से सकते मर जाता है। मम्मी डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था, तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली दाम, सीने पे बोझ और आंखों में नदामत के आंसू। मुझे और लाइबा को वो जिंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर चुके हैं। हेलो, मैं नासिर हूँ फैज। तुम क्यों फोन कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? फैज फैज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे भाई, मेरे जिस्म में नासूर फैल रहा है, वाला वाला मां भर रहा हूँ। मेरी अजीतनाक मौत मुझे सामने नजर आ रही है। क्या हुआ तुम्हें? अरे अरे गुना अपने तेज और नौकीले दांतों से मुझे नोच नोच के खा रहे हैं। फाइज फाइज में मरने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहता हूँ। इन सारे एतराफात को सुनने के लिए तुम बेहतरीन शख्स हो। तुमने गलत शख्स का इंतखाब किया है नासिर, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। नहीं 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 फाइज, फोन मत रखना, मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। फैज तुम्हारे लिए ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ एक बार चले आओ। मैं तुम्हें पता बता रहा हूँ, एक बार यहाँ पे आ जाओ। मैं ये सब कहने से पहले मरना नहीं चाहता फैज, बस एक बार यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता।